नमस्कार दोस्तों, फतेह सागर की पाल पर आप पहुंचे हैं और फतेह सागर की पाल पर आपको आज खूबसूरत कार्यक्रम हिंदुस्तान जिंक और तमाम आप देख रहे हैं कि सभी की पार्टिसिपेट से कार्यक्रम जो है वो हो रहा है और उसको दिखाने के लिए मैं आपके बीच में धीरे धीरे और फतेह सागर की खूबसूरत पाल पर गुलजार है। आर्ट कबीर बहुत ही सुंदर गुलजार किया गया है और फतेह सागर की पाल, फतेह सागर की झील पर खूबसूरत दृश्य, आइए झील पर ले चलता हूँ। तो उदयपुर में बहुत ही शानदार कबीरदास जी की यात्रा जो है वो हो रही है। पीछे आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक कलाकार, उन तक भी हम जाएंगे। पहले हम यहाँ के स्थानीय पत्रकार से पूछेंगे कि पहले अपना नाम बता दीजिए। नवरतन फोकावत, मदद न्यूज उदयपुर जी। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ सो दोस्ती ना कहूँ सो बैर। कबीरदास जी जो आज से 500 साल पहले हुए थे संत, उनकी जो विचारधारा थी धर्म के कट्टरपंथ को लेकर वो खिलाफ थे और सिर्फ धर्म को मानने वाले थे। धर्म में कट्टरपंथ जब जुड़ता है तो धर्म की दुर्दशा हो जाती है। और इसी बात को समझाने में जो संत रहीम हुए, मीराबाई हुए, कबीरदास जी हुए, इन्होंने सिर्फ धर्म का मर्म समझाया लोगों को और उसी धर्म के मर्म की यात्रा को लेकर आज जो कबीर यात्रा निकली है राजस्थान की, जो तानाबाना पुलिस की तरफ से या संस्थान के जो इनके स्पॉन्सर हैं, और ये यात्रा 7 जिलों तक जाएगी और ये उदयपुर में इसका आज आगाज़ हुआ है और बहुत ही बढ़िया और लोगों की तादाद भी अच्छी देखने को मिल रही है। और कुछ लोगों का जो इस पाश्चात्य संस्कृति में ढले बसे लोग हैं, उन्हें भी कबीरदास जी के दोहे पूरी तरह से एक तरह से जीवन में अपना महत्व रखते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद फोकावत साहब का। और आप देखें कि पूरा जो है बाजार गुलजार है। यहाँ पर कुछ टी शर्ट की लगी गई है, आप आर्ट कबीर का नाम से भी देखें पूरा, तो काफ़ी गुलजार जो है पूरा परिसर लग रहा है। और चलिए चलते हैं सामने, किस प्रकार का आयोजन देखिए, इधर फोटोग्राफी। तो फतेह सागर की पाल पर कबीर वाणी के प्रवचन, काफी कलाकार है। इधर पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है, उधर भी मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन एक बार मैं आपको कार्यक्रम की ओर ले चलता हूँ जहाँ पर अमृत वाणी जो है वो सुनने को मिलेगी।
फतेह सागर पर कबीरवाणी। Oh,
फतेह सागर पर आप देखें कि राजस्थान कबीर यात्रा पहुंची है और जबरदस्त यहां पर जनसमर्थन जो है वो जबरदस्त हुआ है। मुझे पता है, I know, but there is a limit. I am really sorry. आपको कल पूरी रात हम सुना देंगे मुरा लाला जी को, मीर बसु जी को। आज हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, प्लीज। तो फतेह सागर की इस सुप्रसिद्ध पाल पर आप देखें कि इतना बड़ा जन समर्थन है। तो अब कबीर कैफे हमारे बीच में है, राजस्थान कबीर यात्रा जो है। तो अब आप वार्म अप हो गए हैं डांस के लिए, तो आप नाउ गेट रेडी। तो ये रंग है कबीर यात्रा का, ये एक झलक है, और ये झलक अगले 8 दिनों तक, अगले 7 दिनों तक आप प्लीज बनाए रखें। थकना मत, सोने को नहीं मिलेगा, खाने को भी मिलेगा लेकिन पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन थकना नहीं है। ये जोश, ये जुनून बरकरार रखें। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का लाइनअप है, जिस तरह के आर्टिस्ट हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कभी थक पाओगे। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कबीर यात्रा में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने कहा देखो, इस चीज़ की गारंटी नहीं है, सोना मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है, लेकिन म्यूजिक 24/7 मिलेगा। आप बस में जा रहे हैं, आपको संगीत मिलेगा, आप कहीं सत्संग कर रहे हैं तो वहां पे म्यूजिक हो रहा है। तो ये यात्रा का एक चार्म है, ये यात्रा की एक फील है, और वो मुझे लग रहा है कि ये यात्री और गांव वाले मिलके बनाते हैं। एंड ये जो वॉलंटियर्स हमारे बीच में है, ये मेहनत है इनके पीछे। रजत साउंड इंजीनियर इन पीछे कर रहा है पिछले 4 दिनों से। रजत सिर्फ कंसोल लेने के लिए जयपुर गया और आया उसी रात को। तो ये पैशन है हमारे सब वॉलंटियर्स का, यात्रियों का, आर्टिस्ट का, जो इस कबीर यात्रा को आपके लिए एक खूबसूरत एहसास बनाना चाह रहे हैं। तो प्लीज बी कोऑपरेट और हमें सहयोग करना हर तरीके से, क्योंकि व्यवस्थाएं काफी कठिन है, लेकिन मजा आएगा। यही सत्संग है जो हमको आनंद देगी। तो कबीर कैफे आपके बीच में है, आप झूमने के लिए, नाचने के लिए अब तैयार हो जाइए। और हमारे कबीर यात्रा में ये होता है कि बच्चे भी नाचते हैं, राजनेता भी नाचते हैं, अधिकारी भी नाचते हैं। वो एक सारी बाउंड्रीज, ये हद हनत की जो बात है, ये मन लागो मेरो यार फकीरी में, जब हम फकीर बन जाते हैं तो फिर ये नाचना और ये जो झूमना, ये इस यात्रा का पार्ट बन जाते हैं। सो यू आर ऑल वेलकम टू डांस, बट प्लीज मेंटेन द स्पेस एंड फॉर अदर, यू नो, कि उनके व्यू खराब ना हो। नीरज आइए आइए यार, तो नीरज अभी पिछले 10 दिनों से हमारे साथ हैं। नीरज को मैंने बुलाया कि यार ये अब तक तुम कबीर गा रहे हो, अब तुम फलासिया में, कोडड़ा में, भीम में दिन रात हमारे क्रू के साथ, गोपाल भाई खाने को नहीं मिल रहा। मैंने कहा ये अब कबीर तुम जी रहे हो, तो ये जो एक्सपीरियंस है, तो ये जो पिछले 10 दिनों से कबीर मेरे साथ है, सब्जी भी बना रहा है, रोटी भी बना रहा है, दूध भी लेके आ रहा है, ये जो रॉक स्टार आपको दिख रहा है, 10 दिन पहले हमारे साथ, 10 दिन से पूरा कबीरमय हो चुका है और खाना बहुत अच्छा बनाता है नीरज, नो डाउट। तो कबीर मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा बताओ जब तक ये एक्सपीरियंस है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ओके, साउंड इंजीनियर ने बोला है, लेट मी नो। हाँ ओके, रजत के लिए जोरदार ताली बजा दी हमारा साउंड इंजीनियर, हमारा क्या सबका। तो ये मंच में जो मैं खड़ा हूँ, मेरी औकात नहीं है खड़े होने की, क्योंकि यहाँ पे मीर बासु जी, उनके लिए जोरदार तालियां, मूरा लाला मारवाड़ा जी, सुमित्रा जी,
ये बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं और मेरा इसमें कोई, मैं सिर्फ, हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं थोड़ा समझने की भी, थोड़ा उसको गाने की भी। इसीलिए मैं गोपाल भाई से जब हमारी बात हुई तो इनके साथ जुड़ गया था। एक बार गोपाल भाई के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ये पता नहीं कितनी रातों से सोए नहीं है, ये दो दो घंटे की नींद मारते हैं, इनके पास पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आती है। इधर आ जाओ, अरे हाँ तो जाओ। तो इनसे बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। तो मैं 22-23 तारीख को आया और फिर मैं भीम गया, भीम से कोटला गया, कोटला से फलासिया गया, फिर उदयपुर आया और दो दो ढाई ढाई दिन सब जगह बिताए और आदिवासी लोग जो म्यूज़िक करते हैं उनसे मिले। तो एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि जिसमें हम लोगों को तो मिल जाता है एक्सपोजर, हम लोग आप लोग सुन लेते हैं, बट वहाँ के जो लोग हैं जो गाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना संघर्ष रखना चाहते हैं, तो उनकी भी बात आपको सुनाई देगी फिल्म के थ्रू। तो उनके लिए ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। और मैंने तो सबके घरों में जाके खाना खाया, भुट्टे भी सेके, तो बहुत बढ़िया जर्नी थी। और आगे जो होने वाला है, जो जो यात्रा में जुड़े जरा हाथ ऊपर कर दीजिए यात्री लोग, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और ये मज़ा क्यों आने वाला है, राजस्थान पुलिस के लिए ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। ये सब उनकी देन है। अमनदीप सर वहाँ बैठे, विकास सर वहाँ बैठे, ज़ोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए कि इन्होंने जो सहयोग दिया है इसको, और सब लोग हम जो आज इतनी तसल्ली से बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इनकी बदौलत है। तो ज़ोरदार ताली इनके लिए बनती है। थैंक यू सर। तो मैं परिचय करा देता, पीयूष आचार्य हारमोनियम पैन के लिए ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। वीरेंद्र सोलंकी ड्रम पैन के लिए ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। स्वप्निल बेस गिटार पैन के लिए ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। ब्रिटो केसी एकोस्टिक गिटार पे आज इनके लिए ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। और विक्की पर्कशन बैंड के लिए ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। वहां दुष्यंत सारे मल्टी ट्रैक रिकॉर्ड करा, उनके लिए भी ज़ोरदार ताली और लाभांश के लिए भी। तो अगला गाना मैं सर आपसे इजाजत पूछना चाहूंगा, ये लोग खड़े हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं ना, थैंक यू। तो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ यार, बहुत देर से बैठे हैं, तुम्हारी टांगें बहुत दर्द कर रही होगी। जो कुर्सी में बैठे हैं वो तो पहले खड़े हो जाएं, जो ये सोफे में बैठे हैं ना, एकदम मस्त माहौल हो गया सोफे में। मैं गाना गा रहा हूँ, बड़ा सिंपल, मन मस्त भया फिर क्या बोले, मन मगन भया फिर क्या बोले। कबीर ने ये भी कहा है कि मस्त रहो मगन रहो, बट उसमें ये ध्यान रखो कि आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो। हाँ मैं समझ गया, समझ गया। कभी एक भी माइक नहीं मिलता था, आज दो दो माइक मिले हुए। थोड़ा पीछे हो जाओ ना, आप ऊपर ऊपर चल रहे हैं, पीछे आ जाओ। हम क्यों नहीं आगे गए, हम भी आगे चले जाते। तो आप भी आवाज कर दो, दोनों हाथ ऊपर करके भाई, मजा आ जाएगा। क्या बात, इधर वाले भी उधर वाले भी सब जगह। तीन शब्द बोलूंगा उसको रिपीट कर दो, क्या बोले रे, और थोड़ा थोड़ा पीछे हो ले रे, थोड़ा 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 थोड़ा। सुनाई नहीं देगा स्पीकर के आगे आगे, मेरे को पता है आप लोग वो भी मंच में आना है लेकिन अभी नहीं आना है, थोड़ा पीछे पीछे और थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे। इसको गाना कैसे बता देते, कौन आ गया
हमें भी चलता। वो क्या बोले रे, जो ये आगे वाले लोग हैं बिल्कुल मत बोले, ये लोग मेरे साथ तब से है ना, तो आपको बिल्कुल नहीं गाना, अगर गाया ना तो देख लेना। वो क्या बोले रे, तो जब जब ये लाइन आएगी हमारे साथ गा देना भाई। चलो भाई, मगन भाया मन मस्त भाया मन, 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 मगन भाया फिर क्या बोले मन, मस्त भाया फिर मजा नहीं आया। एक बार साइड यार क्या हो रखा है, आप लोग ऐसे बैठे हो, आज जितने भी लोग बैठे हो ऐसा ना करो यार, बड़ी दूर से आया। मैंने अभी बताया ना गोपाल भाई ने, मैं 10 दिन से उनके साथ रोटी पका रहा था, दाल पका रहा, थोड़ी जान आप लोग जान दोगे तो मैं गा पाऊंगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर, सब साथ में गाएंगे। चलो भाई, मन मस्त भाया तो चक लेना भाई, जोरदार ताली ब्रिटो के सिंगले। अब आपको सुनाने वाले घट घट में पंछी बोलता है। You ready to sing with us? This is a slow track, beautiful song. Ghat ghat mein panchi bol rahe hain. I'm going to sing one line, you repeat, okay? You can hear me, right? Ghat ghat mein panchi bolta hai. Say it. Ghat ghat mein पंछी बोलता है, हेलो। ओके, आई नीड यू गाइस टू बी लिटिल लाउडर, लेट्स डू द म्यूजिक, ओके, जस्ट कीप दिस विल कीप लूपिंग।
पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी आके जगा गया। कौन था मैं, कहां से आया, ना
अगला गाना है मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को बिना काया दार से काफी जैसा दूसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जाए। ये एक अनाउंसमेंट आई है, देखो ये भी काम करना पड़ता है जब आप लीड वोकलिस्ट होते हैं। थैंक यू गोपाल भाई, मैं अच्छे से कर रहा हूँ 22 दिन से, मतलब 10 दिन से तो कर रहा हूँ सारी अनाउंसमेंट। यात्री लोग जो भी हैं भाई यहाँ रुके, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, यहाँ से जाना मत। अगर वो अनाउंसमेंट आपको नहीं मिली फिर आपको यहीं छोड़ के चले जाएंगे ये लोग, तो यहीं रहना, सुन के जाना। तो मत कर माया यार सिंपल गाना है, ये गाना एक्चुअली प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के लिए। जोरदार ताली बजा दिए दोनों हाथ ऊपर करके, मालवा हमारी कबीर की शुरुआत उधर से हुई और उनका ही भरोसा है और उनका ही प्यार है, उनका ही आशीर्वाद है कि हम कर पा रहे हैं, हम कोशिश कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान का एक ही भाई बैंड है जो ऐसा बैंड दिखता है जो सिर्फ कबीर गाता है और कुछ नहीं गाता है। आप लोगों का प्यार है, 12-13 देश घूम चुके हैं आप लोगों के प्यार से और सिर्फ कबीर के नाम पे घूमे हैं। तो कबीर फर्स्ट रॉक स्टार है, उसके लिए जोरदार ताली भाई। थोड़ा गिटार लेवल बढ़ा दो। तो ये गाना तो सबको पता है तो मुझे गाने की जरूरत नहीं है। विपुल भाई के लिए जोरदार ताली, फोक मस्ती एक बैंड है उधर से, उनके लिए जोरदार ताली। इनके साथ आप गा लेना, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। झपका पवन का लग जाए काया धूल
आप देख रहे हैं फतेह सागर की पाल पर राजस्थान कबीर यात्रा जो है आई है और एक से बढ़कर एक कबीर वाणी कैसा लगा आज का कार्यक्रम? अच्छा आप बताओ। नहीं यही उदयपुर से उदयपुर उदयपुर आप देखे कि बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम है राजस्थान जाना आया अभी काले परसों भी जाना है। अच्छा भी जाते हो कोटला में? अच्छा था शानदार आप देख सकते हैं कि फतेह सागर की सुप्रसिद्ध पाल के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ में भाऊजी नाम बताएं। निर्मल। कैसा लगा और कितने दिन? बहुत ज्यादा अच्छा। मैं तो 8 साल से फॉलो कर रहा हूँ। क्या संदेश दिया जा रहा है इस कार्यक्रम में? कबीर का संदेश सबके लिए, न जाते न कुछ भी नहीं, सबके लिए। और मैं तो कबीर नगर भी जाके आया हूँ गोरखपुर के पास। और देखिए कबीर वाणी और कबीर की ये राजस्थान की यात्रा खाली उसकी झोली रे बड़ी ताकत है फकीरी में। बहुत ही बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेट जो है वो हो रहा है। फतेह सागर का पूरा झील गुलजार हो गया है और आप देखें कि राजस्थान कबीर यात्रा पहुंची उदयपुर में और बड़ा ही ज़बरदस्त कबीर वाणी कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। संगीत एक से बढ़कर एक और हिंदुस्तान जिंक सहित विभिन्न उद्योगपतियों ने यहाँ पर देखे वंडर सीमेंट हिंदुस्तान जिंक UIT तो सभी ने यहाँ पर ज़बरदस्त पार्टिसिपेट किए हैं। सभी ने मिलकर इस फतेह सागर की पाल को जो है गुलजार किया है। आज बड़ा कार्यक्रम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए और पुलिस प्रशासन भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। आप देखें उदयपुर का सबसे सुप्रसिद्ध फतेह सागर की ये पाल पर खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार आप देख रहे हैं फतेह सागर की सुप्रसिद्ध। आज रविवार का दिन है और राजस्थान कबीर यात्रा पहुंची उदयपुर कबीर कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहा है। लोगों की जबरदस्त जनसंख्या और फतेह सागर की सुप्रसिद्ध पाल के ऊपर ये कार्यक्रम एक से बढ़कर आप एक वाणी सुन सकते हैं।
देखो गाना ऐसा गाना चाहिए कि आवाज पता कहाँ कहाँ जाए, कोटरा, तो देखिए आप बहुत ही शानदार कार्यक्रम, सब जगह हमारे दोनों हाथ खींचे ना करो यार, चलो देखते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु के नाम। देखिए जबरदस्त भजन कीर्तन चल रहा है और मैं भी इस पूरे कार्यक्रम में मैं आपको दिखाने के लिए गुलजार जो है सागर की पाल पर रविवार का दिन है और रविवार को देखिए आप जबरदस्त इतनी बड़ी उत्साह देख के मैं भी अपने आप को रेट नहीं पाया और आप उसकी वीडियो में देखेंगे तो आपको सारी एक से बढ़कर एक कबीर वाणी जो है वो आपको दिखाई देगा और एक से बढ़कर एक गीत तो अभी भी देखिए बहुत जबरदस्त चल रहा है, लोग घूम रहे हैं, हजारों में लोग हैं यहाँ पे। रविवार का दिन है और रविवार का दिन और नवरात्रि का सातम का दिन और एक से बढ़कर एक भजन की एक से बढ़कर एक संगीत कबीर वाणियों की जो है वो प्रस्तुति जा रही है, लोग झूम रहे हैं, आप देखेंगे लोगों की नजारा आप देखेंगे जबरदस्त है और उस तरफ भी कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो दिन लगाए गए हैं और लोग खरीद रहे हैं झूम कर, तो देख सकते हैं आपकी इस तरफ जो है सब स्टॉल लगाई गई है तो रात की करीब यहाँ पर आप घड़ी में देखें तो मैं बताऊँ आपको बताना चाहूँगा 10 बज गई है घड़ी में और ये फतेह सागर की पाल है जहाँ पर लोग शाम को टहलने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, लेकिन आज उनकी जो शाम है वो बहुत ही गुलजार हो गई है, कबीर वाणी यहाँ पर जो है एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी जा रही है और नेक्स्ट प्रस्तुति भी दी जा रही है उसको भी हम आपको सुनाएंगे, लोगों की आवाज आप
सदियों के बाद भी ये गाना जो है पुराना नहीं हुआ है और अभी भी देखें आप ये गाना बहुत ही शादी अपने नाम कर रहा है। सागर की ये पाल पूरी गुलजार हो गई है और कितना सेलिब्रेट यहाँ पर जो है लोग कर रहे हैं। इतने सालों बाद पुराना गाना जो वारी जाऊँ रे, सैकड़ों साल पुराना गाना जिसे आज भी गाए तो लोगों ने यहाँ पर डांस किया है, सेलिब्रेट किया है। कहीं ना कहीं पुरानी कल्चर और पुरानी संस्कृति फिर एक बार लौट कर आई है। तो हम लोग गाएंगे लेकिन हम बिना माइक के बिना साउंड के
फतेह सागर की ये पाल पर बहुत ही सुंदर राजस्थान कबीर यात्रा पहुंची और कबीर यात्रा आज देखिए उदयपुर के इस फतेह सागर पर आज गुलजार किया है। एक से बढ़कर एक कबीर वाणी संगीत सुनने को यहाँ पर मिला है। तो अभी आप सबकी बसें जो है पीछे पार्क है, आपको वहीं से बसें मिलेगी। और ऐसा हर बार यात्रा में होता है कि पहले दिन के परफॉर्मेंस के बाद इसको रोक दिया जाए। आप देख सकते हैं कि फतेह सागर पे इतना बड़ा जनसमूह है। पहले इवेंट के बाद यात्री बसते हैं, लोकल आते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। और अब जो है कार्यक्रम समापन हो गया है और अब अपने घर जाने वाले हैं। सब आया अब चलो आ जाओ। ये टी शर्ट वगैरह बैठे करो, टी शर्ट ले लेना। अरे वो टी शर्ट लेने जगह आओ ना। तो देखिए कार्यक्रम का समापन हो गया है और काफी सुंदर कार्यक्रम रहा है। बड़े स्तर पर यहाँ पे लोगों की भागीदारी रही है और देखिए आप नगरवासी किस तरह से इन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। सभी खुश होकर जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे यहाँ के नागरिक हो चाहे यहाँ के यात्री हो। और आप यात्री है ना, यात्रा में है ना? हाँ। जी जी आप? हाँ मैं प्रेस से हूँ। अच्छा, प्रेस की हूँ। हाँ जी, किस प्रकार से कार्यक्रम? मैं भी प्रेस वाली हूँ। अच्छा, जी जी जी। ये संस्कृति और जो डेवलपमेंट है, पुराने गाने कबीरदास जी के कहे गए उनको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, एक नए तरीके से जो है वो युवा देख रहे झूम रहे हैं। तो आप ये संस्कृति क्या फिर लौट के आ रही है, आप एक जनरेशन की नज़र से क्या देखते हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल यही, ऐसे ऐसे करने से ही कबीर के जो गाने हैं उनके जो बोल हैं वो हमेशा रहेंगे, युवाओं के साथ रेसोनेट करेंगे और वो आगे चलता जाएगा। बढ़िया लगा, संस्कृति से जुड़ाव का एक बड़ा माध्यम लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? संस्कृति से तो बहुत ही, संस्कृति ही है हमारी, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जो हमारे जो उसूल है, हमारा भारत का जो उसूल है उसी के बारे में ये सब। बड़ी संख्या में आज नगर के वासी देखने के लिए आए इस कार्यक्रम को, कैसा लगा आपको इनके जोश? बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिनों तक ये यात्रा चलेगी और कहाँ कहाँ जाएगी? अभी ये 7 दिनों की है शायद, और उदयपुर के ब्लॉक्स में जाएगी 9 तारीख तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो देखिए आप ये एक संस्कृति से जोड़ने का एक बहुत बढ़िया तरीका कि कबीर वाणी जो कि गीत बहुत ही पुराने हैं उन्हीं गीतों को वापस रीडेवलप करके एक म्यूज़िक के साथ इन गीतों को जो प्रस्तुत किया, ये बड़ी बात है। अब सभी नागरिक नगरवासी सब अपने घर की ओर जा रहे हैं, यात्री जो है वो बसों की ओर जा रहे हैं। तो लेते हैं दोस्तों आपसे भी अलविदा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था राजसमंद की उदयपुर की इस फतेह सागर की पाल पर, बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम था। और देखिए सभी चर्चाएं यहाँ पे हो रही है इस कार्यक्रम को लेकर, कबीर वाणी की चर्चाएँ जो है वो हुई है और सारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद रहा। चलते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना इसको ना भूलें मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो हर संस्कृति हर लोग तक पहुँचे और वो भी संस्कृति से जुड़े और राजस्थान कबीर यात्रा जो है वो संपन्न हो सके और संस्कृति से लोग जुड़ सके। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था, सभी आयोजकों को सभी यात्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उदयपुर की मेवाड़ की धरा पे आकर सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति दी।